वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक सीख लेकर आया हूं क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज है वो ये, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है मैच थी जिसमें इंडिया जीत चुकी है। तो मेरी तरफ से टीम इंडिया को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और इसी को लेके जो है एक न्यूज है और वो ये कि इस पर जो है अदनान 07, आशीष चंचलानी, अमित भड़ाना, इन्होंने कुछ ना कुछ कहा है, आइए देखते हैं। जैसे कि अदनान ने कहा, कांग्रेचुलेशंस इंडियन क्रिकेट टीम। अश्नूर कौर ने कहा, व्हाट अ प्राउड मूवमेंट, व्हाट अ विन, इंडिया इंडिया। आशीष चंचलानी, उन्होंने कहा, आई रिग्रेट आई मिस्ड दिस मैच, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, अरे ठीक है ना यार, लेट उठा मैं। और भी काफी सारी स्टोरीज है, मैं आप लोग को सब तो नहीं बता सकता। जैसे कि अमित भड़ाना, उन्होंने कहा, भारत के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया, उन्हें बहुत बहुत बधाई, पर उनसे भी ज्यादा धन्यवाद टीम के फिजियोथेरापिस्ट को जिनकी मेहनत से टीम इंडिया बेहतर खेल दिखा पाई, हैशटैग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अवनीत कौर की तरफ से, तो भाई अवनीत कौर का जो है इंटरव्यू आया है पिंक विला के चैनल पे, अगर आप लोग को पूरा वीडियो देखना रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन आइए एक इंपॉर्टेंट क्लिप देख लेते हैं जहां पर अवनीत ने कहा है कि वो जो है प्लान कर रही है कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का, आइए देखते हैं। विल वी गेट टू सी यू अगेन ऑन द स्मॉल स्क्रीन? नथिंग एज ऑफ नाउ, बट देखते हैं इन फ्यूचर इफ समथिंग कम्स अप। Actually planning to do something big, so I just need everybody's love and support for that, which they've always given me. So let's just fingers crossed, let's just hope for the best. और तो गाइस अवनीत कौर की तरफ से जो है न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, जी हाँ, क्योंकि अवनीत कौर गई है शूटिंग के लिए जोधपुर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अवनीत की कल वाली पोस्ट जिसके कैप्शन में लिखा है #shoot #newproject। तो देखते हैं भाई क्या आता है। वैसे गाइस आज का वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो भाई शुरू से एंड तक ये वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किए भाई कर लो, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आते रहता हूं। गाइस अगली न्यूज आती है पबजी को लेकर। तो भाई होता कुछ ऐसा है कि यहां पर गेट सेट फ्लाई फैक्ट करके एक यूट्यूब चैनल है जहां पर 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर, उन्होंने पबजी को लेके कुछ कहा है अपनी नई वीडियो में, आइए देखते हैं। लेकिन पबजी तो बैन हो गई है ना? वेल जरा इधर आओ। हमारे कुछ अंदरूनी खुफिया सूत्रों के अनुसार हमें खबर मिली है पबजी इंडिया में फिर से लॉन्च होने वाला है, और भाइयों हमारी खुशियां लौट आ रही है। वेट वेट वेट, ये अंदरूनी सोर्स किधर है? मतलब सब कह रहे हैं अंदरूनी सोर्स है किधर, वैसे उनका वीडियो काफी अच्छा है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, सब के सब कह रहे हैं कि पबजी मोबाइल वापस आने वाला है। मैं खुद कह रहा हूँ कि पबजी मोबाइल वापस आने वाला है, लेकिन कब आएगा? गाइस अगली न्यूज आती है चिंकी मिंकी की तरफ से। तो भाई होता कुछ ऐसा है कि उन्होंने जो अपने यूट्यूब चैनल पे ये वाला वीडियो अपलोड किया डांस ऑन चिड़िया, जो कि एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो है, मतलब के टिकटॉक जैसा ही, कुछ 15 सेकंड का, और उस पर आप लोग रिस्पॉन्स देख सकते हैं भाई 3 दिन में 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, और जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 8वें नंबर पे ट्रेंडिंग पे है। वैसे भी ये वीडियो जो है कुछ 3 दिन से ट्रेंडिंग पे ही है, जिसको लेकर यहाँ पर चिंकी मिंकी उन्होंने भी स्टोरी पोस्ट किए थे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को ट्रेंडिंग में देखने के बाद यहाँ पर सम्राट भाई उन्होंने स्टोरी डालते हुए कहा, सॉरी गाइज, एक टाइम मैंने ही कहा था कि यूट्यूब पे सिर्फ कॉन्टेंट चलता है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, एंड हाँ हाईली अपोलोजाइज। गाइस अगली न्यूज़ आती है अनमोल की तरफ से। तो भाई अनमोल ने जो है कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं जहां पर उन्होंने कहा कि कल के दिन जो है उनके यूट्यूब चैनल पे उनका एक नया वीडियो आने वाला है आशीष चंचलानी के साथ। जी हाँ, कल के दिन मतलब हमारे लिए कल के दिन, आप लोग के लिए आज ही के दिन वो वीडियो कुछ करीब करीब 1 या 2 बजे आएगा, आइए उनकी स्टोरीज देखते हैं। ऑन अ सीरियस नोट गाइस, आई वाज गायब बिकॉज यूट्यूब वीडियो पे काम चालू था जो कल रिलीज हो रहा है। बहुत क्रेजी वीडियो है, आशु है, कुणाल है, रोहित है, भाविका है, एंड यू गाइस आर गोना लव दिस वीडियो। कल दोपहर को 1-2 बजे के आसपास आ जाएगा। वैसे गाइस जब आशीष चंचलानी से रिलेटेड बात निकली गई है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई केआरके जो है रोस्ट करने वाले आशीष को, अभी तक रोस्ट वीडियो आया तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे केआरके से कि भाई आशीष का रोस्ट कब आएगा। उसी पर केआरके ने कहा, दोस्तों नो नीड टू रिमाइंड मी, मैंने कह दिया तो बस कह दिया, मीठे चंचन आशीष चंचलानी का रिव्यू होगा और जरूर होगा। फिर किसी ने कहा, मजा आना चाहिए, जैसा कैरी मिनाटी में आया। उस पर केआरके ने कहा, मेरे भाई फुल मजा आएगा, इफ यू पीपल वॉन्ट मी टू इंक्लूड यूर फेवरेट फोटोज ऑफ मीठा चंचलानी इन माई रिव्यू, देन सेंड नाउ। तो भाई इसको लेके आप लोग क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और तो गाइस आशीष को फीचर किया गया किड्स चॉइस अवार्ड में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ गाइस यहां पर भुवन बम को भी जो है किड्स चॉइस अवार्ड में नॉमिनेट किया गया। सो आई हैव बीन नॉमिनेटेड इन द फेवरेट यूट्यूबर कैटेगरी एट द निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड। तो अगर आपको लग रहा है कि आई एम वर्दी इनफ, तो इसको स्वाइप अप करो और वोट कीजिए। और भी हैं उनके लिए भी कीजिए अगर पसंद है तो, लेकिन मैं अगर मेरे लिए कीजिए।
गाइस अगली न्यूज आती है दानिश अल्फाज और सना खान की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि भाई लगता है दानिश अल्फाज और सना खान में कुछ तो अनबन हुई है, क्योंकि ये लोग ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिए। और रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि दानिश जो है मुस्कान के साथ थे इस वजह से। बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है। जी हां, सना खान ने जो है दानिश अल्फाज को 3 दिन के लिए ब्लॉक किए थे। अब वो क्यों किए थे, आइए देखते हैं स्टोरीज। गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को जिसने मुझे ब्लॉक किया था इंस्टाग्राम पे 3 दिन के लिए। उसका रीजन पता है क्या था? क्योंकि मैं गोवा में घूम रहा था और मैम को बहुत हो रही थी जलन कि मैं क्यों नहीं गई गोवा में शूट पे तो स्टोरी ना देखने के लिए, ताकि स्टोरी ना दिखे मुझे ब्लॉक कर दिया। वैसे गाइस दानिश अल्फाज और मुस्कान को लेके बात निकली गई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दानिश अल्फाज और मुस्कान की तरफ से जो है न्यू सॉन्ग आ रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दानिश अल्फाज ने मुस्कान के साथ ये वाली फोटो अपलोड की है। कैप्शन में लिखा है कमिंग अप विद अ न्यू बैंग विद माय क्यूटी मुस्कान, वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक वीडियो। और भाई इस सॉन्ग की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, आइए स्टोरीज देखते हैं। सुबह के 6 बजे 24 घंटे हमने शूट किया है, तो फाइनली क्या हुआ है? गाइस अगली न्यूज आती है कैरी मिनाटी की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था बीबी की वाइंस आशीष चंचलानी वर्सेस अमित भड़ाना के बारे में। जो लोग ने ये वाला वीडियो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। अब इसी कंट्रोवर्सी को लेके जो है यहाँ पर किसी ने कैरी मिनाटी को लाइव में क्वेश्चन किया, जिस पर कैरी मिनाटी ने कुछ ये कहा। एंड बीबी भड़ाना आशीष के बीच के लफड़े के बारे में क्या बोलना है? शाउट आउट मिलिंद पांड्या, शाउट आउट टू यू ब्रदर। अभी मेरे को फुल सीन पता नहीं है यार, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे किसी और को कुछ और इन्फ्लुएंस मिल जाए, कोई बहन मेरे को भी जोड़ दे और कुछ का कुछ क्रिएट कर दे, पर वो मेरे को नहीं चाहिए। तो जब तक मेरे को ही पता नहीं चल जाएगी, मैंने ही लॉन्डो से अभी तक बात नहीं किया, तो मैं क्या ही बता दूं तुम लोगों को। जितने अंधेरे में तुम हो उतने अंधेरे में हम। और तो गाइस अभी जिस समय मैं शूट कर रहा हूँ कैरी मिनाटी फिर से लाइव आए हैं, तो अगर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकलती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। भाई केआरके को कॉन फॉर आंसर कब दे रहे हो लव ब्रो? अरे नहीं है जरूरत भाई, नहीं है जरूरत, जरूरत है ही नहीं। एक मिनट, माई फेवरेट थिंग टू डू ये भाई केआरके ने तो अपना ही रोस्ट कर दिया अपनी वीडियो में बहन, पर वही बात भाई केआरके का लेटेस्ट वीडियो का रोस्ट कब बना रहा है भाई? पता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं बनाऊंगा, तो इतनी एक्सपेक्टेशन लेके चलो मत भाई, उनका मत सुनो। जितने बड़े होंगे उतने हेटर्स आएंगे, उन लोगों ने क्या उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में, यू आर लेजेंड। अरे कुछ नहीं भाई, आई एम जस्ट वेरी फैसिनेटेड बाय द व्यापा, दे कैन कम अप विद द अजम्पशंस, दे कैन कम अप विद, इट्स इनक्रेडिबल, क्वाइट हिलेरियस, हिलेरियस। बट नहीं, आई हैव जस्ट पॉइंट आउट कि कोई चीज अगर कोई चीज पॉजिटिव भी, अगर उसको तुम जानबूझ के नेगेटिव बना रहे हो तो बैड क्यों हो ना, तुम दिमाग लगाओ, और कोई बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं भाई कि इंटेंशन भी समझा करो कभी कभी। पिछला साल इतना चुटिया लग रहा था, मैं सोचा था कि मतलब हम आई वुड से 3-4 महीने से लगे हुए हैं हम इस पे, कि जब से ये आइडिया इनिशिएट हुआ है कि हमें ऐसा कुछ बनाना है, तो तब से लेके अब तक यही प्लान था कि चलो यार दिसंबर में नहीं जा रही है ये वीडियो, तो कम जनवरी में जाए तो माहौल शिफ्ट कर दे लोगों का, मोटिवेट हो जाए लोग, बैंक सीन बैठे बढ़िया कि भाई अच्छी शुरुआत हो 21 की, आप आनी 20 की तरह। बाकी जो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, काफी सही जा रहा है गाना, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। कैरी, व्हेन विल योर एनिमेशन वीडियो कम? उस पे अभी भी चल रहा है यार काम, अभी उस पे भी ये एकदम से ये एक तो शूट आ गया था मूवी का, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो हो गई थी, तो वो थोड़ा पुश बैक हो गया। क्या करना फिर? गाइस सिद्धार्थ निगम की तरफ से तो वो मिले टाइगर श्रॉफ से। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सिद्धार्थ निगम ने ये वाली रील वीडियो अपलोड की है। कैप्शन में लिखा है प्योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड यस वेरी हम्बल, यू इंस्पायर्ड मी अलॉट, टाइगर श्रॉफ। और ये रील वीडियो को जो है टाइगर श्रॉफ ने अपनी स्टोरी में डालते हुए कहा अलादीन भाई नेक्स्ट टाइम मैजिक कार्पेट पे उड़ेंगे। एंड गाइस यहाँ पर सिद्धार्थ निगम और रीड्स की तरफ से कुछ स्पेशल आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिद्धार्थ निगम ने रीड्स के साथ ये वाली रील वीडियो अपलोड की है और कहा वी आर कमिंग अप विद अ सरप्राइज फॉर यू गाइस सून। तो देखते हैं भाई क्या आता है। गाइस अगली न्यूज़ आती है फैसी 07 और रूही की तरफ से। तो इनकी तरफ से जो वेब सीरीज आ रही है बैंग बैंग, उसका टाइटल ट्रैक आ चुका है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फैसी ने उस टाइटल ट्रैक को अपलोड करते हुए कहा द म्यूजिक वीडियो फॉर बैंग बैंग टाइटल ट्रैक इज आउट नाउ। और तो गाइस बैंग बैंग की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, और लास्ट टाइम जो है फैसी ने कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। गाइस अगली न्यूज़ आती है ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से। तो भाई होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ट्रिगर्ड बंदा करके एक चैनल है जिसने ये वाला वीडियो अपलोड किया है सेइंग ट्रिगर्ड इंसान 10,000 times, मतलब कि उसने उस वीडियो में 10,000 बार ट्रिगर्ड इंसान का नाम लिया। मतलब कैसे करते हैं? उसी पर ट्रिगर्ड इंसान ने स्टोरी डालते हुए कहा मैन दिस गाय इज लिट, दिस इज नेक्स्ट लेवल क्रेजी, डोंट ट्राई एट होम बट हैट्स ऑफ यू ब्रो। मतलब सोचो ना अगर मैं ऐसा बैठे बैठे अनुष्का से अरे क्यों बोल दिया यार ये, देख ऐसी शक्लें बना रहे, देख हंस रहे
ऐसा हंसने का नहीं, मैं अभी सीरियस हूँ एकदम, तो मैं सब बोल रहा हूँ अनुष्का सेन अनुष्का सेन, वहीं से फ्लाइंग चप्पल आएगी मम्मी की तरफ से, मजाक चल रहा है। नहीं नहीं मम्मी नहीं कर रहा हूँ मैं, और भाई डैडी तो एडवांस में ही दे देंगे। ये जस्ट फॉर फन था, लेकिन कुछ भी बोलो मतलब फैंस लोग क्या क्या करते हैं। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी, मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय स्लैप। अबे साले रुको जरा सबर करो, जिंदगी सवार तुम इतना क्या ये हसनैन प्यार 07 क्या बना दियो ये, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा वो शिजुका और फैसू है, सॉरी शिजुका और नोबिता है वो, उसको जन्नत फैसू कर दिए, अच्छा अच्छा है, ऐसे रिएक्शन वीडियो में लाना चाहिए ना, फैसू भाग दे रहे पापा।